CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले की परख विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के असंवैधानिक रवैये को एक प्रकार से इस निर्णय के माध्यम से थप्पड़ जड़ा है। जिस प्रकार से एक स्टोरी तैयार करके ये 12 लोगों को सस्पेंड कर एक अननेचुरल मेजॉरिटी तैयार करने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया था, उस प्रयास को केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इल्लीगल और इर्रेशनल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कड़े शब्द सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसी मुद्दे पर नवाब मलिक ने कहा है कि ऑर्डर को भी आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर अध्ययन करेंगे कि किसका अधिकार है किसका नहीं, इस पर अध्ययन होगा और फिर अध्यक्ष निर्णय लेंगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बात करना ये इग्नोरेंस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय का पालन करने की जिम्मेवारी ये देश के संसद की भी है, तो विधानसभा को तो उसका पालन करना ही होगा। और अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी, ये सरकार खतरे में आएगी।